welcome back to my channel. So this is Pratika and you're watching my channel, that is Kittu's Channel. And in today's video guys, I will be sharing this makeup look which I have created with the help of this SFR eyeshadow palette. And this makeup look जो है basically ये ब्राउन सॉर्ट ऑफ ग्लोई मेकअप लुक रहेगा. टाइटल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द होल लुक व्हिच टर्न्ड आउट एंड आई क्वाइट लाइक इट बिकॉज यू नो आई लाइक ब्राउन नॉर्मल नेचुरल न्यूड सॉर्ट ऑफ लुक्स इंस्टेड ऑफ बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लुक्स के अलावा. एंड दिस इज द लुक व्हिच आई हैव एक्चुअली क्रिएटेड. आई हैव यूज्ड दिस पैलेट एंड दिस इज द होल पैलेट एंड आई हैव यूज्ड कॉपरिश ब्राउन शेड to give that brown sort of effect with black eyeshadow to give that smoky effect in the outer corner of areas. तो वो मैंने use किया है यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज ये लुक जो है वो कोई भी क्रिएट कर सकता है, लाइक अर्ली 20s या अर्ली लेट 20s एंटरिंग इनटू योर 30s योर पीपल और लेडीज हु आर लाइक मोर देन 40 years of their age, like every female can create this look. And I've tried to create that glowy brown sort of a look, but I do not have that brown sort of a lipstick, so I used these two lipstick. This is from Darling Isabella, purchased it from Purplle.com, and this is the Maybelline matte sensational liquid lipstick in the shade nude nuance. So I use this lipstick and you know on the top of that I have used this lipstick to give that proper brown natural nude brown sort of a shade. मैंने वो यहाँ पे क्रिएट किया. बट आपके पास ब्राउन लिपस्टिक है तो आप उसका यूज कर सकते हो. मेरे पास प्रॉपर ब्राउन लिपस्टिक नहीं थी तो मैंने इस लिपस्टिक को इस तरीके से यूज किया. एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस. बट इफ यू गोना यूज ब्राउन लिपस्टिक बिकॉज द लुक इज बेसिकली अ ग्लोई ब्राउन सॉर्ट ऑफ अ मेकअप लुक, तो यू कैन यूज दैट लिपस्टिक एंड योर लुक विल गेट कम्प्लीटेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरा बिल्कुल मत जाइएगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड डू नॉट क्लिक ऑन टू दैट बेल आइकन ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो इजिली मिल जाए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. तो माई इंस्टाग्राम हैंडल इज kittu.b_lifestyle. तो जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. Plus whatever like makeup products which I have used in this video will be like इनकी डिटेल्स जो है या लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी ताकि आप वहां से जाके इसको चेक कर सको. एंड दिस पैलेट जो है ये SFR की जो पैलेट है बेसिकली मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से जो है परचेज की थी. उस स्टोर का नाम है ब्यूटी हब और शॉपिंग हब करके उसका स्टोर का जो नाम है, तो वहां से जाके आप उसको लाइक आई मीन परचेज कर सकते हो. आई पुट द इंस्टाग्राम हैंडल. सो दिस इज द इंस्टाग्राम स्टोर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, शॉपिंग हब प्लस मेकअप उसमें लिखा हुआ है मेकअप हब करके. तो आई मेंशन देयर पेज इन दी लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि वहां से जाके इसको चेक कर सको. एंड आई ऑल्सो शेयर एन इंडिविजुअल रिव्यू ऑफ दिस पैलेट टू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब किया बिना बिल्कुल मत जाइएगा. एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज सबसे पहले मैंने यहाँ पे पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर लिया है. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. सो गाइज एज यू ऑल नो ऑलरेडी कि प्राइमर इज मस्ट फॉर मेकअप क्योंकि वो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है, प्लस आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है. तो मैंने यहाँ पे पर्पल का प्राइमर यूज़ किया है. एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन न्यूयॉर्क का ड्रीम वेलवेट फाउंडेशन यूज़ किया है. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन आई हैव एवर यूज. बहुत ही लाइट वेटेड है, जैसे मूस फाउंडेशन होते हैं वैसा, बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत ही लाइट है. एंड इसका मैं इंडिविजुअल रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे इसको चेक कर सकते हो. एंड इसको मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है. एंड ये जो ब्यूटी ब्लेंडर आप देख रहे हो ये मैंने कॉफिन लैशेस से परचेज़ किया है भी रिसेंटली. एंड दिस इज़ द अफोर्डेबल वन ऑल्सो. आई हैव पेड 129 रुपीज़ टू गेट दिस ब्यूटी ब्लेंडर. एंड ब्यूटी ब्लेंडर यू गाइज नो कि हम इसको वेट करके अपने फेस पे या फाउंडेशन के लिए यूज़ करना चाहिए. यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट. तो यहाँ पे मैं अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. तो फाउंडेशन को ब्लेंड करना इज़ इम्पॉर्टेंट. वो भी डाबिंग मोशन में आपको रब करके उसको अप्लाई नहीं करना है, वरना सारा फाउंडेशन आपका छूट जाएगा या स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाएगा. बट यू हैव टू अप्लाई इट इन अ डाबिंग मोशन. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ब्राओ किट लूँगी. तो यहाँ पे ये भी मैंने एक्चुअली कॉफिन लैशेस से ही परचेज़ किया है. एंड यहाँ पे मैंने इसका ब्राउन शेड लिया है. एंड गाइज यू ऑलरेडी नो कि अगर आप आईब्रोज़ की बात करें तो आईब्रोज़ जो हैं अगर आप फिल इन कर लेते हो तो आपका ओवरऑल फेस जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आईब्रोज़ फिल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें मेरे पास ब्राउन भी शेड था, इसमें ब्लैक भी है एंड इसमें ग्रे शेड भी है। तो उसके अलावा एक और शेड है, दैट इज़ नॉट अ शेड बेसिकली, दैट इज़ जेल जो होता है उसको आपके आईब्रोज़ को सेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आईब्रोज़ यहाँ पे इससे सेट कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा ये किट मेरे को लगा है। अभी तक मैंने इसको 3-4 बार यूज़ कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा ये आईब्रो किट है। मस्ट हैव आईब्रो किट आप कह सकते हो, बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली। सारे कलर्स है, सब कुछ है इसमें। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ले रही हूँ एंड ये कंसीलर भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ इस कंसीलर को। एंड कंसीलर यू गाइस नो कि डार्क सर्कल्स को डार्क सर्कल्स को हाइड करने में अच्छा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं अपने अंडर आई एरियाज़ को कवर अप कर रही हूँ, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर अप कर रही हूँ। एंड अगैन मैं यहाँ पे कलर बार का ये जो ब्लेंडर आपने मेरे पहले मेकअप वीडियोज़ अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो चेक कर लीजिएगा जाके। उसमें मैंने इसी कुशन फाउंडेशन को कुशन फाउंडेशन मतलब जो भी है मेरे मुंह से ऐसे निकलता है, तो उसको मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है। ये भी वेट था मेरे पास, मैंने इसको वेट करके ही रखा हुआ था। तो मैं अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी आईलिड्स पे एंड अंडर आइज़ पे। तो इसको ब्लेंडिंग, इसका भी ब्लेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे SFR का मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये भी अगेन गाइस मैंने कॉफिन लैशेस से ही परचेज़ किया है। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि सबका जो लिंक है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, उसको चेक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू रियली वांटेड टू चेक आउट दी प्रोडक्ट्स एंड इफ़ यू वांटेड टू बाय। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिर्फ आइज़ को कवर अप किया है कॉम्पैक्ट से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे SFR का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। ये आई शेडो पैलेट मैंने बेसिकली एक इंस्टा स्टोर है शॉपिंग हब करके, वहाँ से परचेज़ किया था। कफ्स एंड लैशेस पे एक्चुअली उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ कर मंगाया था बेसिकली। तो इसकी जो कॉस्टिंग जो मुझे पड़ी थी ये 249 का आई गेस मुझे मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, ईज़िली मतलब मिल जाता है। एंड उसके अलावा इसमें शेड्स भी काफ़ी सारे हैं, आप काफ़ी सारे मोनोक्रोमेटिक लुक्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल लाइक न्यूड सॉर्ट ऑफ कलर पिक किया है एक अपने आईज़ को थोड़ा सा बेस देने के लिए। देन मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो यूज़ करूँगी अपने आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों आईलिड्स पे अपने आउटर कॉर्नर्स को एक ब्लैक लाइक आई शेडो कलर से मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा एक हिंट दूँगी। एंड देन मैं उसको अपनी क्रीज लाइन से लाइक स्मच करूँगी ताकि वो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट आए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्राई किया है थोड़ा ब्राउन ग्लोई सॉर्ट ऑफ अ स्मोकी लुक क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो दैट इज़ द रीज़न आई यूज़ ब्लैक कलर एज वेल। तो यू कैन सी, तो बहुत हल्का सा एक स्मोकी इफेक्ट आ गया है, बिकॉज ज़्यादा नहीं चाहिए था, बहुत हल्का सा स्मोकी इफेक्ट चाहिए था। दोनों आईलिड्स पे मैंने अप्लाई कर लिया था यहाँ पे। एंड सेम ही पैलेट से मैंने बाद में एक ब्राउन कलर लिया था। एक ब्राउन कलर लेके मैंने अपने आईलिड्स पे सेंटर से लेके इनर कॉर्नर्स तक मैंने इसको अप्लाई किया था। एंड आप देख सकते हो नेक्स्ट इसमें कि मैंने उसको लाइक लेके इसको अप्लाई किया था। एंड यहाँ पे मैं ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि आपकी आईज़ जो है वो लाइक पैची एंड मतलब बहुत ज़्यादा ओवरडू ना लगे। तो यहाँ पे सेम देखिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन कॉपरिश ब्राउन कलर है, जो कि मैं अगैन अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ, हाफ आईलिड्स पे। देन आई ट्राई टू अगैन स्मज इट विद दी ब्रश। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ and you guys can see that। एक अगर आपको एक गोल्डन ब्राउन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट देना है आईज़ पे, तो ये कलर सबसे बेस्ट था मेरे इस आई पैलेट में, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी आईज़ जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो मैंने थोड़ा सा फिंगर टिप से लेके भी थोड़ा एक और कलर देने के लिए मैंने उसको यूज़ किया था, ताकि एक ब्राउन सा कलर आ जाए। अगैन मैंने इसको स्मच कर लिया था अपनी क्रीज लाइन पर। तो सेम विद द सेकेंड आई मैंने दूसरा आईज़ भी इसी तरीके से कंप्लीट करी थी। एंड ये आईज़ का थोड़ा सा लंबा हो गया है गाइस, प्लीज़ बेयर मी विद दैट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश करी है प्रॉपर ब्राउन सॉर्ट ऑफ आईज़ को आई शेडो को यूज़ करने के लिए। एंड गाइज अगर मैं इस SFR पैलेट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा पैलेट है। यहाँ पे देखिए मेरी आईज़ जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो देन मैंने यहाँ पे शुगर का ब्रोंजर या कंटोर किट जो होता है छोटा वो लिया था। मेरे पास यही एक कंटोर पैलेट है या कंटोर की छोटा सा कलर है शुगर का, विच आई रियली लाइक एंड आई लाइक शुगर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो मैंने यहाँ पे इसको अपने कंटोर करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया। आई गेस मतलब आपने मेरे हर वीडियो में इसको देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेक कर लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज। तो यहाँ पे मैंने इसको कंटोर कर लिया था। कंटोरिंग से क्या होता है कि आपका फेस अगर मोटा है तो थोड़ा स्लिम एंड पतला लगेगा, पिक्चर्स भी और अच्छी आती हैं। तो चीक्स लाइक आपके नोज़ पे, आपके फोरहेड्स पे आपके उसको अप्लाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको आपका फेस एकदम नेचुरल प्लस थोड़ा पतला करना है तो इसमें 3 ऐसे बनाना होता है। तो दिस 3 यू कैन सी दैट आई एम शोइंग यू द 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मैंने अपना ऑल टाइम फेवरेट मेबलिन न्यूयॉर्क हाइपो कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, एंड दिस इज़ द बेस्टेस्ट मस्कारा आई हैव एवर यूज्ड एंड आई लाइक दिस मस्कारा वेरी मच, क्योंकि ये आपकी आईलिड्स को बहुत अच्छा एकदम थिक आईलिड्स होती हैं वैसे आपकी आईज़ को दिखाता है। तो ये मस्कारा जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी इसको काफ़ी सारे वीडियोस में जो है मैंने यूज़ किया हुआ है इसको। तो ये भी मेरे को 350 या समथिंग अकॉर्डिंग मिला था। लेकिन सी इसको अप्लाई करने के बाद मेरी आईज़ में कितना डिफरेंस आ गया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना अगैन ब्लश लिया है। ये ब्लश मेरे को किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिला था, तो इसका लिंक तो ऐसा सच नहीं है, बट अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। बेली यू करके इसका नाम है। एंड इसमें काफ़ी अच्छा पिंक सॉर्ट ऑफ इफ़ेक्ट देता है आपके चीक्स पे। एंड यहाँ पे मैं डार्लिंग इसाबेला की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास प्रॉपर ब्राउन लिपस्टिक नहीं थी। जैसे ब्राउन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक के ऊपर मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क की न्यूज नुआंस जो लिपस्टिक है उसको मैंने अप्लाई किया था थोड़ा ब्राउन कलर देने के लिए बाद में, क्योंकि इस कलर को लगाने के बाद थोड़ा रेडिश सा टोन भी दे रहा था, रेडिश कलर का, तो इसलिए मैंने उसको भी अप्लाई किया था ब्राउन लुक देने के लिए। एंड देन मैंने नेक्स्ट यहाँ पे अपना हाइलाइटर यूज़ किया है। एज़ यू गाइज नो दिस इज़ द बेस्टेस्ट हाइलाइटर आई हैव एवर यूज्ड। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। तो मैंने ये शुगर का हाइलाइटर यहाँ पे यूज़ किया था टू गिव दैट ग्लोई सॉर्ट ऑफ अ लुक। एंड इसको भी मैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे एंड चिन पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। एंड आपको गाइस अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यहाँ पे मैंने ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, जो कि अगेन मैंने कॉफिन लैशेस से ही परचेज़ किया था, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। एंड यहाँ पे मेरा लुक जो है वो गाइस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। एंड आप चाहें तो ये कुशन फाउंडेशन कुशन से भी आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो। एंड देन मैंने यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा हाईलाइट किया है सेम पैलेट से। एंड यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट होता है। अगर आपको गाइस मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।